अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप, जो कि हमारी लूप की थर्ड टाइप है। जिस तरह पिछली वीडियोज में हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप पढ़ा, जो कि हमारी लूप की टाइप थी, इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो वाई यूज फॉर लूप, फॉर लूप क्यों यूज़ करते हैं हम। The for loop is used to iterate the statement or a part of program several times. तो for loop use होता है iterate करने के लिए किसी भी part of program को several times. अब ये मैंने क्या कहा, ये आपको समझ आ जाएगी, हम program से समझेंगे। लेकिन मान लो हमारे पास कोई भी array है। अब array मैंने आपको अभी तक नहीं बताई कि array क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर फर्ज करो मेरे पास एक पूरा pattern है जो एक के बाद एक, एक, एक के बाद एक लिखा हुआ है, यानी वो पैटर्न चलता जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक एक करके आइट्रेट करूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अली लिखा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको बारी बारी एक्सेस करूँ। पहले मैं ए को एक्सेस करूँ, फिर मैं एल को एक्सेस करूँ और फिर आई को एक्सेस करूँ। तो ये मैं कैसे करूँगा, तो हम इसको फॉर लूप की हेल्प से ईजिली कर सकते हैं। अब हम इसके सेंटेक्स को देखते हैं। तो इसका जो सेंटेक्स है ना, वो वाइल लूप और डू वाइल लूप से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये मैंने फॉर लूप का ये मेरे से गलती हो गई है, इसको नहीं आपने लिखा। तो हमने फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे लिखा है मैंने, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग सबसे पहले फॉर लिखते हैं, उसके बाद हम एक्सप्रेशन वन लिखते हैं, फिर एक्सप्रेशन टू लिखा, उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन टू लिखा और उसके बाद एक्सप्रेशन थ्री लिखा, और उसके बाद मैंने इधर लिख दिया कोड टू बी रन, यानी जो कोड जो भी हमें पता है, आपको पता है कि हम ये है हमारा, नहीं ये हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा नहीं है फॉर, हमारा ये वाला हिस्सा आएगा कोड टू बी रन में, जो हम चाहते हैं कि तब तक चलता रहे जब तक हमारा फॉर लूप खत्म नहीं होता। अब इन थ्री एक्सप्रेशन को देखते हैं ये क्या है, ठीक है। अब जिस तरह हमारा एक्सप्रेशन वन ये है आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन हमारा है i लेस देन 5 और तीसरा एक्सप्रेशन i प्लस प्लस। अब ये i प्लस प्लस क्या है, जिस तरह पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, i प्लस 1। अब ये जो है i इज इक्वल टू i प्लस 1, ये इसके इक्वल होता है, यानी ये दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं आपको इसका थोड़ा समझा देता हूँ। हमने एक वैल्यू ली i, ठीक है। अब वो वैल्यू फॉर लूप के अंदर गई, उसने पहले i 0 के इक्वल रखा, आई की वैल्यू जीरो होगी, फिर वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन फाइव है तो जीरो लेस देन फाइव हुआ, तो वो इसको प्रिंट कर देगा, ये हमारा जीरो प्रिंट हो गया। फिर वो यहाँ से जाएगा, अब वो इसको नहीं देखेगा, अब वो यहाँ से जाएगा इसके पास आई प्लस प्लस के पास। अब हमारा आई प्लस प्लस क्या था, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो जब आई में प्लस वन होगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी वन। अब वो यहाँ से जाएगा इधर, इधर चेक करेगा वन लेस देन फाइव है, यानी आई की वैल्यू फाइव से कम है, कंडीशन ट्रू है हमारी, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो इधर आएगा, इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करके इधर वन आएगा और यहाँ से फिर वो वापस इधर जाएगा, फिर वो इसी तरह उसमें वन ऐड करेगा टू हो जाएगा, फिर यहाँ से कंडीशन चेक करेगा, फिर उसको प्रिंट कर देगा, इस तरह करते करते वो हमारा फोर तक आएगा, ठीक है। फिर फोर के बाद वो वापस जाएगा, फिर फोर में वन ऐड करेगा फाइव हो जाएगा, फिर इधर कंडीशन चेक करेगा, अब फाइव लेस देन फाइव इनवैलिड स्टेटमेंट है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसके अंदर नहीं जा पाएगा, यानी वो इसके फिर अंदर, ये जो हमने लिखा है इसके अंदर नहीं जा पाएगा, वो यहाँ से सीधा एग्जिट करके बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स था, बेसिक सिंटैक्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो हम ये जो हमारे तीन एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू और एक्सप्रेशन थ्री, इनकी हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन वन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप वेरिएबल। तो हमारा एक्सप्रेशन वन होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ फॉर लूप। तो जैसे यहाँ पर मैंने आई इक्वल टू जीरो कर दिया था, तो मैंने आई इक्वल टू जीरो लिखा, इसका मतलब था कि हमने लूप को स्टार्ट करने से पहले उसको कह दिया कि आई की वैल्यू को जीरो कर दो, तो हमारा जो एक्सप्रेशन वन इनिशियलाइज हो गया और उसके बाद मैं एक्सप्रेशन वन को दोबारा रन नहीं करूँगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं वी कैन इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल इन एक्सप्रेशन वन, यानी हम एक्सप्रेशन वन में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसी तरह थर्ड पॉइंट है हमारा, एक्सप्रेशन वन इज ऑप्शनल। ये दोनों चीज़ें मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इधर हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, C
C15 डॉट सी अपनी क्लास 15 के नाम पे है, ठीक है। अब इधर मैं इसको कंट्रोल सी इसको इधर करूँगा पेस्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर, ठीक है। ये हमारा कोड स्निपेट फॉर लूप आ गया, मैंने एंटर किया। अब इधर मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा। फिर इधर उसने पूछा काउंट आई लेस देन, मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। अब इधर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ परसेंटेज टी कॉमा आई, और इधर हम लगा लेते हैं सेमी कोलन। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। ओहो, इधर हमने इंटीजर तो दिया ही नहीं, इधर हम लिख लेते हैं इंट आई सेमी कोलन, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखें ये 0 1 2 3 4। इधर अगर मैं एन लगा लूँ बैक स्लैश एन न्यू लाइन करेक्टर, अब हम इसको रन करते हैं दोबारा, तो ये देखें 0 1 2 3 4। अब हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वी कैन इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल इन एक्सप्रेशन वन। तो हम देख लेते हैं, अब फर्ज करें मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ एक्सप्रेशन दे देता हूँ मैं कोमा जे, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोमा जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूँ 7 कोमा जे, और इधर हम एक और लगा लेते हैं परसेंटेज डी, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखते हैं 0 1 2 3 4, ये हमारी आई का आ गया, क्योंकि हमने आई की कंडीशन दी थी तो उसने आई की कंडीशन लगाई, हमने आई प्लस वन ही किया था, आई प्लस प्लस का मैंने आपको क्या बताया था आई इक्वल टू आई प्लस वन। तो जे की हमने सिर्फ वैल्यू 0 ही दी है, हमने उसके ऊपर ना कोई कंडीशन अपलोड किया, यानी हमने उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई, उसने सिंपल जे की वैल्यू 0 0 लगा दी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, और इसी तरह हमारा जो तीसरा पॉइंट था वो था एक्सप्रेशन वन इज ऑप्शनल, यानी हम एक्सप्रेशन वन ना भी लगाएं तो उसका कोई मसला नहीं है। अब जैसे मैं इधर कह देता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इधर मैं जे को भी मैं हटा देता हूँ, और इधर ही मैं कर देता हूँ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0। और हम इधर से इसको भी ख़त्म कर देते हैं, और इधर से जे को भी ख़त्म कर देते हैं। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो ये देखें 0 1 2 3 4, यानी इधर हमने पहला एक्सप्रेशन अपना हमने ख़त्म कर दिया, आई इज इक्वल टू 0 हमारा पहला एक्सप्रेशन था, हमने उसको ख़त्म कर दिया, तो वो ऑप्शनल है, ठीक है। हम ना भी लगाएं तो उससे कोई मसला नहीं होगा, हमने वही चीज़ इधर ऊपर डिफाइन कर दी कि आई की वैल्यू 0 है। तो आगे चलते हैं वापस, तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन 2। इट इज कंडीशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, इट चेक फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करता है कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, अगर वो नहीं कर रही तो ये क्या करेगा, लूप को ख़त्म करेगा और बाहर चला जाएगा। जैसे हमने इधर देखा था इसके सेंटेक्स में कि ये आई अगर 5 से बड़ा होगा तो ये लूप को एग्जिट करेगा और बाहर चला जाएगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये यहाँ से डायरेक्ट टर्मिनेट लूप को टर्मिनेट करेगा और बाहर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, इट कैन हैव मोर देन वन कंडीशन, ठीक है, इसके अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारा लूप तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारी लास्ट कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। और इसी तरह हमारा पॉइंट 3 है, इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, इसको आप हम हटा के देख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको हटाएंगे ना तो हमारा जो लूप है वो इन्फिनिट लूप में चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें इसके लिए एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और इस पॉइंट को हम तब समझेंगे जब हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखेंगे, तो इसको अभी के लिए होल्ड कर दो। तो हम पहले ये ऊपर वाली जो हमने ये पॉइंट देखा है, इसको मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम आए, तो अब मैं इधर इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, मैं जिस तरह पहले था हमारा कोमा, इधर मैं जे इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर भी मैं सिंपल कर देता हूँ आई इज इक्वल टू 0, और इधर अब मैं एक और लगा देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जे इज इक्वल टू 2 मैं कह देता हूँ, ठीक है, और इधर मैं कोमा लगा देता हूँ, ठीक है। अब हम इधर भी जे लगा लेते हैं कोमा जे,
और इधर मैं कर देता हूँ जे प्लस प्लस, और इधर हम लगा लेते हैं परसेंटेज डी, क्योंकि हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ये देखें आई और जे तो हमें दो दफा लिखना पड़ेगा। मैं इधर इसको रन करता हूँ, नीचे चलते हैं, ये देखें उसने क्या किया, जे की वैल्यू हमने टू दी थी तो उसने सिंपल जे को टू टू ही प्रिंट कर दिया, यानी उसने इसको सिंपल टू प्रिंट कर दिया, ठीक है। और जिस तरह हमने उधर देखा था कि वो जो हमारी दूसरी, जिस तरह इधर हमने देखा था कि लूप विल आइटरेट अंटिल द लास्ट कंडीशन बिकम फॉल्स, ठीक है। लास्ट कंडीशन इधर कौन सी हमारी, आई लेस देन फाइव, वो इसको कंडीशन तो हमने दे दी लेकिन वो इसको सिंपल इधर एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन वो इस कंडीशन को चेक करेगा, जब तक ये कंडीशन नहीं फॉल्स होगी तब तक वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो चलते हैं बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब एक्सप्रेशन टू कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सप्रेशन वन एंड एक्सप्रेशन थ्री। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोग अपने एक्सप्रेशन टू में बहुत सारे स्टेटमेंट को डाल सकते हैं, और अगर आप इसको डाल सकते हैं तो आप उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और साथ साथ आप लोग उसको लूप वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है इसका, जीरो और नॉन जीरो वैल्यू भी एक्सप्रेशन टू में डाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा जो सी है, जिस तरह मैंने आपको अपनी पहले एक वीडियो में बताया था इफ एल्स वाली, कि हमारा जो सी प्रोग्राम में कोई भी जीरो वेरिएबल होता है ना, उसको हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली फॉल्स मानता है, और जो हमारी नॉन जीरो वैल्यू होती है उसको ट्रू मानता है, ठीक है। तो ये खुद ही एनी जीरो नॉन जीरो वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और जो जीरो होगी वो फॉल्स हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन टू। ओ इधर मैंने थ्री लिखना था, इसको आप लोग कर लें, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन थ्री। अब एक्सप्रेशन थ्री की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एक्सप्रेशन थ्री इज यूज टू अपडेट द लूप वेरिएबल, ठीक है। अब जैसे हमने इधर देखा था कि हमारा जो एक्सप्रेशन थ्री था, ये क्या कर रहा है, लूप के वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, यानी जब वो यहाँ से नीचे गया, नीचे जाके जीरो प्रिंट हुआ, फिर यहाँ से वो ऊपर आया, ऊपर आके इसने क्या किया, लूप की वैल्यू को अपडेट करके वन कर दिया, फिर उसने कंडीशन चेक की, फिर नीचे गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है, वी कैन अपडेट मोर देन वन वेरिएबल एट द सेम टाइम। हम एक टाइम पे एक से ज्यादा वेरिएबल भी अपडेट करा सकते हैं। और इसी तरह जो हमारा एक्सप्रेशन थ्री है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। क्योंकि जितना इधर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्सप्रेशन टू है वो एक्सप्रेशन वन और थ्री के टास्क परफॉर्म कर सकता है। मैं आपको एक बार फिर विजुअल स्टूडियो कोड में दिखा देता हूँ। तो ये देखें, अब इधर अगर मैं साथ इधर मैं लिख दूं कोमा जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, ठीक है, इसको हम कर देते हैं रॉन्ग, और इसको मैं कर देता हूँ लेस देन, इसको बल्कि मैं लेस देन फाइव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें इसको भी मैंने फाइव कर दिया था, इसको भी फाइव कर दिया था, और इधर हमने दो वेरिएबल, यानी अब ये दो वेरिएबल एक साथ अपडेट कर रहा है, इसका वेरिएबल भी अपडेट कर रहा है, इसका वेरिएबल भी अपडेट कर रहा है, आई और जे दोनों को अपडेट कर रहा है, ठीक है, जीरो से लेकर फोर तक वो चला गया। तो ये था हमारा फॉर लूप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो अगर आपको कोई मसला आता है, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।